गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल GSR बजरंग। गाइस, आज मैं आपको कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक कोर्स सिखाने वाला हूं, वो भी एक ही वीडियो में, वो भी बिल्कुल शुरू से। वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्यूटर कोर्स में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। यदि आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। गाइस, यदि आप कंप्यूटर में विंडोज 7 को सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो इसके मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दी। आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप को जब भी आप ओपन करते हैं तो जो भी आपके सामने स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो भी मेरे यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ है इसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। और जो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे दिस पीसी है, एडिट फोटोशॉप है, यूट्यूब है, और यहाँ पे रिसाइकल मैंने MS पेंट है, इसको हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। और आपको डेस्कटॉप पर सबसे नीचे आपको देखेंगे यहाँ पे बॉटम साइड में सबसे नीचे देख सकते हैं इस प्रकार से ब्लैक कलर की आपको पट्टी दिखाई देती है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है वो देख सकते हैं इस प्रकार से, ओके, हम इसको टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार पर आपको कुछ सेटिंग के बटन दिखाई दे जाते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे राइट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन, ओके। जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, देख सकते हैं, ओके। तो नाइट मोड वगैरह, और यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट है, यदि आप मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली कर सकते हैं, ओके। ये मेरे पास अभी विंडो 10 है, तो विंडो 10 के मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ। यदि आप विंडो 7 के फीचर्स जानना चाहते हैं, विंडो 7 को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आप यहाँ से लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश है, और भी आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे इंटरनेट पर क्लिक करते हैं। यदि आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके और अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट खोल के यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके सामने आप यहाँ पे आपको देखोगे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो इस प्रकार से, ओके। इसको बोलते हैं टास्क व्यू। यदि आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो तो यदि आप अपने दो डेस्कटॉप को यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, यानी आपके पास एक डेस्कटॉप पहले से है और एक डेस्कटॉप को और यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपली आप न्यू डेस्कटॉप के ऊपर इस तरीके से क्लिक करके और आप यहाँ पे दो डेस्कटॉप पर यानी कि काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप 1 और यहाँ पे डेस्कटॉप 2, ओके। तो डेस्कटॉप 1 के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोई भी आपको फाइल खोल के दिखाई दे रहा हूँ अभी, ओके। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिस पीसी को इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया, ओके। दिस पीसी को ओपन करने के बाद मान लो इस डेस्कटॉप पर मैं वर्क करता रहूंगा और सिंपली मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं दूसरे डेस्कटॉप पर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे ओपन नहीं मिलेगा, ओके। यदि मैं पहले डेस्कटॉप पर जाना चाहता हूँ सिंपली मैं क्या करूँ, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप 1 के ऊपर क्लिक कर लूँगा, देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ओके। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो 10 में इस तरीके से आप डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और इसके सामने आपको टास्क बार पर एक ऑप्शन और मिल जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से, टाइप हियर टू सर्च, ओके। आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना हो, जैसे मान लो मुझे पेंट ओपन करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा PAINT पेंट, ओके। तो देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको मैंने क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ, ओके, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च में कुछ भी टाइप करके और किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज़ को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं स्टार्ट बटन, ओके। इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, देख सकते हैं, ओके। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है, इंपोर्टेंट ऑप्शन, देख सकते हैं पावर, ओके। जैसे आप यहाँ पे पावर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, रीस्टार्ट, और आपको यहाँ पे शट डाउन और यहाँ पे स्लीप, ओके। सिंपली आप रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को दोबारा से चालू कर सकते हैं। जैसे ही अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि रीस्टार्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप होगा पुनः से चालू हो जाएगा, दोबारा से चालू हो जाएगा, ओके। यदि आप शट डाउन के ऊपर क्लिक कर देते तो आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है हमेशा के लिए यहाँ पे शट डाउन हो जाएगा, ओके। यदि आप मान लो स्लीप के ऊपर क्लिक कर देते तो जो भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, मान लो आपका वर्क तो करता रहेगा लेकिन जो वो एक तरीके से स्लीप हो जाएगा, ओके, यानी सो जाएगा, ओके। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, यदि आपको डेस्कटॉप के किसी भी आइकन को ओपन करना है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखा दे दिस पीसी, एडिट फोटोशॉप, यूट्यूब है, और यहाँ पे रिसाइकल मैंने MS पेंट है, ओके, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रोम, गूगल क्रोम है। यदि आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप कई प्रकार से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट नंबर में आपको बताता हूँ माउस से आप किस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ओके। तो सिंपली आप क्या करो, माउस के जो भी
कर्जर। हाँ एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो भी आपको अभी दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से इसको हम कर्जर बोलते हैं। ओके जैसे कि भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके जो भी मैं यहाँ पे माउस का जो भी आपको पॉइंटर आ रहा है इसको हम कर्जर बोलते हैं। ओके जैसे आप यहाँ पे कर्जर को ले जाओगे किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो आप जो भी आपका माउस है, माउस से जो भी आपका राइट क्लिक वो सॉरी लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक को आप सिंपली दो बार यहाँ पे क्लिक कर दोगे जल्दी से। ओके जैसे आप यहाँ पे दो बार क्लिक कर दोगे तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा वो ओपन हो जाएगा। ओके पहला तरीका तो ये ओपन करने का, और दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएं और यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन का। ओके तो सिंपली आप यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करके और देख सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इस तरीके से भी ओपन कर लेते हैं। ओके और तीसरा तरीका ये है, यदि आप कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से पहले प्रेस करोगे विंडो डी का बटन। ओके तो जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ विंडो इस प्रकार से होता है हमारा बटन कीबोर्ड पर, और डी इस प्रकार से। ओके तो दोनों को आपको एक साथ से प्रेस करना विंडो डी। जैसे आप विंडो डी का प्रेस करेंगे तो अब आपको क्या करना, सिंपली आपके कीबोर्ड पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको चार एरो की दिखाई दे रही होगी। ओके सिंपली आप यहाँ पे चार एरो की से इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा हो। ओके तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जाऊंगा और इस तरीके से देख सकते हैं दिस पीसी भी आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे कीबोर्ड से इस तरीके से एंटर कर दूंगा। ओके तो भी आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर या जो भी आपका फोल्डर वगैरह हो कोई भी चीज़ होगी ओपन हो जाएगी। ओके और तीसरा और चौथा तरीका ये है कि आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके और आपके सामने यहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ओके जैसे कि भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मैं किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। ओके और चौथा तरीका यह है कि आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा तो मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा दिस पीसी वगैरह, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके इस तरीके से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके तो ये कुछ तरीके थे वो मैंने आपको बताए थे, यानी इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे आप अपने दिस पीसी वगैरह किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे तीन इंपॉर्टेंट बटन। ओके इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में। ओके मिनिमाइज और यहाँ पे रिस्टोर डाउन का और यहाँ पे क्लोज का बटन, तो इसका बेसिकली क्या यूज होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मिनिमाइज, सिंपली आप मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो जो भी आपका एप्लीकेशन हो जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा तो सिंपली वो टास्क बार पर आ जाएगा। ओके हमेशा के लिए वो क्लोज नहीं होता है, यानी कि आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो टास्क बार पर यहाँ पे आ चुका है। ओके यदि मान लो आप इसको टास्क बार से ओपन करना चाहते हैं, यानी दोबारा से इसको रीओपन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से और आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। ओके इसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता है देख सकते हैं रिस्टोर डाउन, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करके किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके इस तरीके से आप इसको छोटा कर सकते हैं, यदि आप इसको मान लो दोबारा से इसको बड़ा करना चाहते हैं, यानी दोबारा से इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो सिंपली आप क्या करो, जो भी आपका पीछे वाला बटन इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा सिंपली आप यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको बड़ा कर दोगे। ओके और तीसरा बटन यहाँ पे आता है क्लोज का बटन, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपली मैं यहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो जो भी मेरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो जो भी एप्लीकेशन हो जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो हमेशा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके इसके बाद आप डेस्कटॉप पर यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके यदि आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आज मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बिल्कुल जानकारी दे देता हूँ। ओके तो सबसे पहले आपके सामने भी एक ऑप्शन आता है व्यू, व्यू में आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और यहाँ पे स्मॉल आइकन। ओके और शो डेस्कटॉप आइकन, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आता है लार्ज आइकन, यानी कि जो भी आपके डेस्कटॉप पर अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे दिस पीसी एडेड फोटोशॉप और यहाँ पे रिसाइकलेबल, यानी कि जो भी आपको डेस्कटॉप आइकन दिखाई दे रहे हो सिंपली यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डेस्कटॉप आइकन को यहाँ पे बड़ा करना चाहते हैं लार्ज करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करोगे यहाँ पे व्यू के ऊपर जाके और यहाँ पे लार्ज के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो देख सकते हैं जो भी मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन थे वो मेरे यहाँ पे बड़े हो चुके हैं। ओके यदि आप मान लो दोबारा से राइट क्लिक करोगे और मान लो यदि आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं यानी मीडियम करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करो यहाँ पे व्यू पे जाके और यहाँ पे मीडियम के ऊपर क्लिक करके दोबारा से इसको मीडियम कर सकते हो। ओके यदि आप मान लो इसको छोटा करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे स्मॉल के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से इसको छोटा भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मीडियम। ओके तो व्यू में इस तरीके से यहाँ पे कई सारे
फीचर्स हैं देख सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो इस तरीके से आप अपने व्यू में जाकर के लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और यहाँ पे स्मॉल आइकन को कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है देख सकते हैं, शो डेस्कटॉप आइकन। यदि मान लो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे निशान दिखाई दे रहा होगा साइन का। ओके, यदि मान लो इसको अनचिक कर देते हो तो जो भी आपके डेस्कटॉप पर अभी आइकन आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो भी आपके डेस्कटॉप पर यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपली आपके वो यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो क्या कभी कभी आपसे ये गलती हो भी जाती है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से सही भी कर सकते हैं। तो व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली आप यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन के ऊपर इस तरीके से हटा देंगे। देख सकते हैं मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप जो भी आइकन है वो मतलब यहाँ से डेस्कटॉप से यानी कि हाइड हो चुके हैं। ओके, सिंपली मान लो यदि आप इसे दोबारा से शो कराना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और दोबारा से व्यू में जाकर के और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन के ऊपर क्लिक करके दोबारा से इसको शो भी करा सकते हैं। ओके, तो ये कई सारे ऑप्शन थे व्यू में जाके, तो मैंने आपको बता दिए। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे नेम है, साइज है, आइटम टाइप है और यहाँ पे डेट टाइप है। ओके, तो एक एक के बारे में यहाँ पे हम समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान से समझें। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सॉर्ट बाय में देख सकते हैं नेम, तो नेम का मतलब क्या होता है, जो भी आपके यहाँ पे डेस्कटॉप पर आइकन दिखाई दे रहे हैं, यदि आप मान लो आप डेस्कटॉप आइकन को नेम बाय नेम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, नेम बाय नेम से आप क्रम से सेट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे दिस पीसी हमारा यहाँ पे है। ओके, और मान लो जो भी टी से शुरू होंगे तो वो एक साइड से यहाँ पे लगते जाएंगे। ओके, तो जैसे आप मान लो नेम के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हो सॉर्ट बाय में जाकर नेम के ऊपर, तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो भी मेरे एक एक साइड से है वो हमारे पे कंप्लीट लग चुके देख सकते हैं। ओके, जैसे भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ एन। ओके, यानी न्यू माइक्रोसॉफ्ट और न्यू को माइक्रोसॉफ्ट। ओके, और न्यू माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एक एक क्रम से क्रम बाय क्रम यहाँ पे लगते जाएंगे। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय में साइज, यदि मान लो आप साइज के ऊपर क्लिक कर देते हो तो जो भी आपका यहाँ पे साइज होगा जितनी एमबी के हमारे यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे तो वो भी क्रम क्रम से लगते जाएंगे। ओके, इसके बाद मान लो आप सॉर्ट बाय के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है आइटम टाइप, यानी कि आइटम टाइप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दे तो जो भी आपका आइटम होगा टाइप बाय टाइप यहाँ पे शो होता जाएगा, यानी कि टाइप बाय टाइप यहाँ पे लगता जाएगा। इसके बाद मान लो आप सॉर्ट बाय के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे कर दे तो डेट मॉडिफाई। ओके, इसके ऊपर क्लिक करके मान लो जो भी आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी सॉफ्टवेयर जिस डेट को यहाँ पे इंस्टॉल किया होगा तो भाई डेट बाई डेट यहाँ पे सेट होते जाएंगे। ओके, तो रिफ्रेश मारा क्या होता है, रिफ्रेश मारा बेसिकली वर्क करता है जब भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को स्टार्ट करते हो तो सिंपली आपको कंप्यूटर लैपटॉप को कम से कम 5-6 बार तो रिफ्रेश करना ही चाहिए। इससे क्या होता है जो भी आपका कंप्यूटर लैपटॉप है थोड़ा फ्रेश हो जाता है। ओके, थोड़ा अच्छा चलने लगता है। ओके, तो सिंपली आप क्या करोगे रिफ्रेश के ऊपर इस तरीके से क्लिक करोगे और जो भी आपका लेफ्ट बटन है माउस से इस तरीके से इसको क्लिक करते जाओगे। ओके, राइट बटन से भी क्लिक कर सकते हो, यदि आप कीबोर्ड से रिफ्रेश करना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे आप यहाँ से एक बार माउस से इस तरीके से रिफ्रेश करोगे, इसके बाद जो भी आपका कीबोर्ड पे F5 बटन दिखाई दे रहा हो देख सकते हैं इस प्रकार से अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे F5 के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से भी रिफ्रेश कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है माउस से राइट क्लिक करोगे, इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है देख सकते हैं न्यू। ओके, तो न्यू बहुत ही काम की चीज़ है, न्यू जैसे आप न्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है देख सकते हैं फोल्डर। ओके, तो सिंपली आप जैसे ही फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपका डेस्कटॉप है डेस्कटॉप पर आप एक नए फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको क्रिएट करके दिखाया था देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फोल्डर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है न्यू फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम इसका दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ सॉन्ग्स। ओके, सॉन्ग्स देने के बाद मैं सिंपली कीबोर्ड से एंटर को प्रेस कर दूंगा, मेरा डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ओके, मान लो मैं सिंपली इसको यहाँ पे लगा यानी कि यहाँ पे खींच के ले जाना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं मूव करके ले जाना चाहता हूँ, सिंपली मैं क्या करूँगा माउस से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबा के रखूंगा और यहाँ पे इस तरीके से मैं खींच के रख दूंगा। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आता देख सकते हैं न्यू में, आप क्लिक करते हैं न्यू में जाके आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं देख सकते हो। ओके, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, यानी जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डले होते हैं वो सिंपली यहाँ पे आपको दिखाई दे जाते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं, सिंपली आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेटिंग। ओके, तो डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करके आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं सेटिंग ओपन होकर आ जाएगी। तो डिस्प्ले सेटिंग में आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे देख सकते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, जैसे आप डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक तो दिखाई देगी नाइट लाइट। ओके, तो जब भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को नाइट में यूज करते हो तो सिंपली आप इस तरीके से इसको ऑन कर देंगे। ओके, जैसे देख सकते हैं जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो भी कंप्यूटर लैपटॉप होगी जो भी आपकी ब्राइटनेस होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कम होती जाएगी। ओके, देख सकते हैं। ओके,
यदि मान लो इसको इस तरीके से ऑफ कर देते जो भी आपके कंप्यूटर लैपटॉप की ब्राइटनेस होगी ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं, देख सकते हैं डिस्प्ले चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट ऐप एंड अदर आइटम। ओके, मान लो अभी आपके यहाँ पे 100% है जो भी आपके साइज है टेक्स्ट, जो भी आपके यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह होते हैं, यदि मान लो इसको आप 125% कर देते हो तो आपको जो भी टेक्स्ट होते बड़े होते जाएंगे। देख सकते हैं अभी आपको दिखाई दिया, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो मेरे यहाँ पे टेक्स्ट साइज है कितना बड़ा हो चुका है। ओके, यदि मान लो इसको आप दोबारा से छोटा करना चाहते हो सिंपली आप वहीं पर डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे 125% की बजाय यहाँ पे 100% कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आप डिस्प्ले पर तो अब आप यहाँ पे डेस्कटॉप पर देख सकते रिप्रेस करेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट साइज है छोटा हो चुका है। ओके, मैं दोबारा से यहाँ पे डेस्कटॉप सेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पे चेंज साइज को यानी कि टेक्स्ट यहाँ पे अपने साइज अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे मिल जाता है डेस्कटॉप ओरिएंटेशन और आपको यहाँ पे मिल जाता है डेस्कटॉप रेजोल्यूशन। ओके, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके अपने डेस्कटॉप का साइज भी यहाँ पे कम छोटा बड़ा कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेस्कटॉप, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ओके, डिस्प्ले ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं लैंडस्केप, यदि आप इसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप इसे पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है साउंड, साउंड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे साउंड का वॉल्यूम आप या डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, इसको और भी आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन एक्शन। ओके, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं तो उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम दी सेंडर्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ करके रखे हुए, यदि आप इसको जो भी आपके नोटिफिकेशन है बार बार परेशान करते तो सिंपली आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाद डिस्प्ले के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सनलाइज। ओके, आप पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करके आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आए, जैसे आप यहाँ पे पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे। देख सकते हो बैकग्राउंड है, कलर है, लॉक स्क्रीन है, थीम्स है, फॉन्ट है और यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे टास्क बार है। ओके, तो आइए इनको एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ पे शो करा सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ बैकग्राउंड। ओके, मैं यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा सोलिड कलर और यहाँ पे स्लाइड कलर, यहाँ पे यानी कौन सा भी कलर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे पिक्चर कलर ही रहने दूंगा। ओके, जैसे देख सकते हैं अभी मेरे यहाँ पे चेंजिंग हो जाता है। ओके, इसके बाद आप यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को लगा सकते हैं, जैसे देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, किसी भी बैकग्राउंड को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाएगा चूज ए फिट, आप यहाँ पे क्लिक करके मान लो किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे फिल है, फिट है, स्क्रैच है और यहाँ पे टाइल है और यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे स्पैम है, यानी कि टाइल यानी टुकड़ों में लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे स्क्रैच लगा सकते हैं और यहाँ पे फिट यानी कि लगा सकते हैं और यहाँ पे फिल स्किन में लगा सकते हैं। ओके, तो मैं मान लो यहाँ पे टाइल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हैं जो भी मेरा यहाँ पे स्किन है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लग चुकी है। ओके, टुकड़ों में यहाँ पे वॉलपेपर लग चुका है। ओके, इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे दोबारा से आ जाऊंगा। ओके, तो यदि आप यहाँ पे मान लो स्क्रैच में लगाना चाहते हो तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रैच में लग चुकी है। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, यदि मान लो आप यहाँ पे सेंटर में लगाना चाहते हो तो सिंपली आप सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो मेरे बीच में लग चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कहीं भी पिक्चर को आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो सिंपली मैं कर दूंगा यहाँ पे फिल यानी फुल स्क्रीन में यहाँ पे लग जाएगी। ओके, तो आपको बैकग्राउंड के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है कलर का। ओके, कलर के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई भी कलर यहाँ पे लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, जैसे लाइट है, डार्क है। ओके, लाइट डार्क वगैरह नहीं, कैसा भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, और आप यहाँ से किसी भी कलर को चूज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, किसी भी कलर को यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक स्क्रीन, यदि मान लो लॉक स्क्रीन पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका लॉक होता है तो लॉक स्क्रीन पर आप किस तरीके से यहाँ पे वॉलपेपर को लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके आप यहाँ पे लगाना है, पिक्चर टाइप का या पे स्लाइड्स यानी किस तरीके से आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, इसको लगाना चाहते हैं या इसको लगाना चाहते हैं, यानी जब भी आपका जो भी कंप्यूटर लैपटॉप लॉक करोगे आप यानी कि इसमें लॉक लगाओगे। ओके, तो आप किस तरीके से वहाँ पे जो भी वॉलपेपर शो होना चाहिए, ओके, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है थीम्स का, आप यहाँ पे थीम्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे थीम्स मिल जाती है, तो आप इन थीम्स को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट का, आप यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे काफ़ी सारे आपको यहाँ पे फॉन्ट मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बार। ओके, तो टास्क बार को मैंने पहले आपको बता दिया क्या होता है टास्क बार। ओके,
तो जैसे आप टास्क बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आए देख सकते हैं, लॉक दी टास्क बार। यदि मान लो आप इसको लॉक दी टास्क बार कर देंगे तो जो भी आपका टास्क बार होगा एक तरीके से लॉक हो जाएगा। ओके, यदि मान लो इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करोगे, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ओके, तो जो भी आपका टास्क बार होगा वो अनलॉक हो जाएगा। ओके, और आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था ऑटोमेटिकली हाइड दी टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। ओके, जैसे ही आप इसको ऑन कर दे तो देख सकते हैं जो भी मेरा टास्क बार है नीचे जा चुका। ओके, तो जैसे मैं अपने माउस को वहाँ पे ले जाऊंगा देख सकते हैं कर्जर को ले जाऊंगा तो जो भी मेरे यहाँ पे टास्क बार होगा मेरे यहाँ पे आ जाएगा देख सकते हैं। ओके, जैसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे यहाँ पे नीचे चला जाएगा और जैसे मैं इसके पास ले जाऊंगा तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कर्जर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, कई सारी सेटिंग दी हुई हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने जो भी आपको डेस्कटॉप पर आप राइट क्लिक करते तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं, तो मैंने आपको सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया। ओके, फिर भी आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में पूछना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल सब्सक्राइब कर लो, जो पास में बेल आइकन बाकी ऑल पर क्लिक कर ले ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक भी करते रहें। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट सेटिंग और बताता हूँ जो भी आपकी यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि आप कंप्यूटर लैपटॉप को यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा देख सकते हैं सेटिंग का। आप सिंपली जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही उसके बारे में आपको कंप्लीट बता देता हूँ। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है देख सकते हैं ईज ऑफ एक्सेस। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे। ओके, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते आ जाएगा इस तरीके से डिस्प्ले। ओके, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं मेक टेक्स्ट ब्राउज़र। ओके, आप इसको टेक्स्ट को यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते देख सकते इस तरीके से। ओके, आप अपने हिसाब से यहाँ पे 125% 20% और यहाँ पे 100% वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, लगाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो देख सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया 140% और मैंने यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, तो देख सकते मेरे जो भी टैक्स आया मेरा यहाँ पे बड़ा हो चुका है जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, मान लो मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ सिंपली यहाँ पे अपने जितना भी रखना चाहता हूँ मान लो यहाँ पे 100% यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ओके, देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं क्या करूँ 100% रखने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो जो मेरे यहाँ पे टैक्स आ जाएगा देख सकते छोटा हो जाएगा। ओके, मान लो मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बड़ा करना चाहता हूँ 110% और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो 110% यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कर्जर एंड पॉइंटर। ओके, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका यहाँ पे माउस होता है कर्जर होता है सिंपली आप यदि मान लो इसका यहाँ पे साइज बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा। जितना आप बढ़ाते जाओगे तो आपका जो भी माउस होगा देख सकते हैं बड़ा होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप अपने कर्जर का यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं, जो भी आपका पॉइंटर साइज होता है उसको सिंपली आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कम कर दूंगा इस तरीके से। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे देख सकते हैं, आप इसका कलर भी चूज कर सकते हैं, मान लो ब्लैक कर सकते हैं, यहाँ पे डार्क कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन नीचे मिल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नीफायर। ओके, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको टर्न ऑन मैग्नीफायर के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देंगे। ओके, तो जो भी आपका आपके सामने यहाँ पे एक विंडो शो होने लगेगी देख सकते हैं मैग्नीफायर प्लस और माइनस का बटन। ओके, तो यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन को जूम करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे देख सकते हैं जो मेरी कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन होगी जूम होती जाएगी। ओके, यदि मान लो आप इसे जूम इन करना चाहते हैं तो सिंपली आप माइनस के ऊपर इस तरीके से क्लिक करके इसको जूम इन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर फिल्टर। ओके, सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पे कलर फिल्टर यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे रेड है, ग्रीन है, जो भी आपका स्क्रीन साइज होता है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई देता है देख सकते हैं कीबोर्ड। आप सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करके तो जैसे ही आप यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे देख सकते हैं कीबोर्ड देख सकते हैं यूज योर डिवाइस विदाउट ए फिजिकल कीबोर्ड। मान लो यदि आपका जो भी आप कीबोर्ड यूज करते हैं मान लो यदि आप कोई भी कीबोर्ड यूज करते हैं तो मान लो उसमें कोई भी बटन वगैरह काम करने बंद हो जाता है या आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर में भी एक कीबोर्ड को यहाँ पे लगा सकते हैं, ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है। ओके, देख सकते हैं जैसे आप इसको ऑन कर दोगे तो आपकी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड शो होने लगेगा देख सकते हैं। ओके, इसका आप साइज बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, इसका साइज छोटा भी कर सकते हो। ओके, और आप मान लो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, मान लो यदि आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है तो सिंपली आप इस तरीके से माउस की मदद से भी आप अपने कीबोर्ड को यहाँ पे यूज कर सकते हो और टाइपिंग का
फायदा ले सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है, माउस। आप यहाँ पे माउस के ऊपर क्लिक करके तो जो भी आपका माउस का जो साइज होता है, कर्जर का साइज होता है, फास्टर फास्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्लो कर सकते हो। देख सकते हो मेरे यहाँ पे स्लो हो चुका है। ओके, जैसे आप यहाँ पे स्लो के ऊपर क्लिक करते जाओगे तो जो भी आपका कर्जर साइज है, जो भी आपका माउस इस तरीके से मैं चला रहा हूँ उसको, ये भी स्लो होता जाएगा। ओके, सिंपल मैं इसको कर दूंगा फास्ट, तो मेरे यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, यानी न्यू पासवर्ड लगाना चाहते हैं, या अपने कंप्यूटर लैपटॉप को पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं ताकि आपके अलावा कोई भी आपका कंप्यूटर लैपटॉप यहाँ पे खोल ना सके, ओपन ना कर सके, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से यहाँ से प्रेस कराएंगे कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। देख सकते हो इस प्रकार से आपको अपने कीबोर्ड पर बटन दिखाई दे जाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट और एक डिलीट। आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे। ओके, तो आप जैसे अब तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे। देख सकते हैं लॉक है, स्विच यूजर है और साइन आउट है, और यहाँ पे चेंज है पासवर्ड है। ओके, यदि मान लो आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में पहले से पासवर्ड लगा के रखा है तो यदि मान लो इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप चेंज है पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ओके, और मान लो आप नया क्रिएट करना चाहते हैं, आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में अभी तक पासवर्ड लगाया ही नहीं है, तो सिंपली आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज है पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे जो भी मेरा पुराना वाला पासवर्ड है वो डाल दूंगा और यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल के और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डाल दूंगा, यानी कि न्यू पासवर्ड वो डालूंगा नहीं जो मैं बनाना चाहता हूं, और सिंपली उसके बाद मैं जो मैंने न्यू पासवर्ड में डाला वो मैं यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डाल के और यहाँ पे सिंपली आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के कीबोर्ड से यहाँ पे एंटर को प्रेस कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे पासवर्ड सेट हो जाएगा। ओके, और यदि आपने मान लो आप न्यू क्रिएट करना चाहते तब भी आप यहाँ पे इसी प्रकार से कर सकते हो, तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा न्यू पासवर्ड डालने का। ओके, तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में पासवर्ड को डाल सकते हैं। इसके बाद मान लो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में चेक करना चाहते हैं रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, सिस्टम टाइप कितना है, और मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना है, तो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली यूज क्या होगा, मान लो आपका यहाँ पे कंप्यूटर का एक आइकन दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, मान लो इसके ऊपर आप यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हो प्रॉपर्टीज। ओके, तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दोगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक विंडो ओपन होकर आएगी, देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको अभी दिखाई दे रहा है सिस्टम। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रोसेसर, इंटेल कोर i3 का मेरे यहाँ पे प्रोसेसर है। ओके, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा रैम, यानी मेरे यहाँ पे 4GB रैम है, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा सिस्टम टाइप। ओके, तो आपके यहाँ पे 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और आपके यहाँ पे कंप्यूटर नेम दिखाई देगा, आपके कंप्यूटर का क्या नेम है। ओके, और आपके यहाँ पे कौन सी विंडो डली हुई है, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे विंडो 10 प्रो डली हुई है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद मान लो यदि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में हार्ड डिस्क देखना चाहते हैं, कितनी हार्ड डिस्क है, कितनी हार्ड डिस्क खाली है, कितने पार्टीशन इसमें बने हुए हैं, कितने पार्टीशन की जगह खाली है। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। इसके लिए मान लो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका कंप्यूटर लैपटॉप है उस पर आपको इस तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर का आइकन दिखाई दे जाएगा। ओके, जिस पीसी या कंप्यूटर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सिंपली आप यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं मैनेज का। ओके, सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दोगे, मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना, वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना डिस्क मैनेजमेंट। ओके, इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएगा, देख सकते हैं अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ डिस्क 0। ओके, बेसिक 232 GB मेरे यहाँ पे हार्ड डिस्क है। ओके, और आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं मेरे कितनी ड्राइव इसमें, यानी कितने पार्टीशन बने हुए हैं, मेरे यहाँ पे दो पार्टीशन बने हुए, देख सकते हैं ई और सी। ओके, और आपको यहाँ पे दिखाई भी दे जाएगा जो भी आपके पार्टीशन है कितने यहाँ पे, यानी कितने आपके यहाँ पे भरे हुए हैं, देख सकते हैं अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी 48.26 GB मेरे यहाँ पे ये है। ओके, और यहाँ पे 184 GB ये है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे दिखाई भी दिया जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से कैपेसिटी इसकी कितनी है, और यहाँ पे फ्री स्पेस का कितना है, यानी 18 GB मेरे यहाँ पे फ्री है। ओके, जो मेरा सी, जो मेरे यहाँ पे लोकल डिस्क सी है वो मेरे यहाँ पे 18 GB फ्री है, और यहाँ पे लोकल डिस्क मेरा ई है वो यहाँ पे 176 GB फ्री है, यानी कि परसेंटेज में देखे तो 39 और यहाँ पे 96 GB। ओके, तो इस तरीके से भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में हार्ड डिस्क को देख सकते हैं, कितनी हार्ड डिस्क खाली है, कितनी हार्ड डिस्क यहाँ पे मेरी भरी हुई है। इसके बाद मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करोगे, उसके ऊपर इस तरीके से माउस ले जाओगे, माउस ले जाने के बाद आप उस पर राइट क्लिक कर दोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं डिलीट, तो सिंपली आप यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद मान लो यदि आप दोबारा से इसको देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके लिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है कंप्यूटर में लैपटॉप में, आपको भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं रिसाइकिल बिन।
देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके तो जो भी आपने डिलीट किया था वो सिंपली आपको इस तरीके से मिल जाएगा। मान लो आप इसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं, दोबारा से इसको ओपन करना चाहते हैं, दोबारा से इसको डेस्कटॉप पर ले जाना चाहते हैं, तो सिंपली आप माउस से इस पर राइट क्लिक करोगे और आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रिस्टोर। आप सिंपली रिस्टोर को ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं दोबारा मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पर आ जाएगा। ओके मान लो यदि आप चाहते हो जो भी आपका डेस्कटॉप पर फाइल वगैरह कुछ भी आप डिलीट कर रहे हो हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, ओके विदाउट रिसाइकल बिन में मूव होके। ओके तो सिंपली आप क्या करोगे इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और जो भी आपका कीबोर्ड है कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना शिफ्ट। जैसे आप शिफ्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट। आप सिंपली डिलीट के ऊपर क्लिक करके तो आपके सामने एक मैसेज हो शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। ओके तो सिंपली आप यस कर दोगे। ओके अब आप देखोगे रिसाइकल बिन में जाके आपको ये फोल्डर नहीं मिलेगा क्योंकि ये परमानेंटली डिलीट हो चुका है। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल के ऊपर इस तरीके से राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। देख सकते हैं एक एक ऑप्शन को मैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओपन, इस तरीके से आप इसको ओपन करना चाहते हो सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओके और इसके बाद आपके सामने भी एक ऑप्शन दिखाई दे जाता है, देख सकते हैं रीनेम। आप मान लो इसका नेम चेंज करना चाहते हैं जो भी आप इसका नेम अभी है गूगल क्रोम बीटा। ओके मान लो इसका आप नेम चेंज करना चाहते हो सिंपली आप रीनेम के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने नेम यहाँ पे दे दिया। ओके तो इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके इसके बाद मान लो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करके इसकी पूरी यानी कि जानकारी देख सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक किया तो देख सकते हैं अब ये आपके सामने यहाँ पे आ चुके काफी सारे ऑप्शन आ चुके। ओके पहला आता है जनरल, जनरल में आप देख सकते हैं यानी कि कितनी साइज का ये एप्लीकेशन है। ओके सॉरी कितनी साइज का ये सॉफ्टवेयर है। ओके कितनी एमबी में ये सॉफ्टवेयर है। ओके कितनी एमबी का ये सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे शॉर्टकट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट की। मान लो यदि आप अपने कीबोर्ड से इसको ओपन करना चाहते हो तो सिंपली आप इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हो। जैसे मान लो अभी आप मान लो क्रोम है ना तो आप मान लो आप जी से शुरू होगा ना तो मान लो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ से प्रेस करोगे जी। जैसे आप अपने कीबोर्ड से जी को प्रेस करोगे तो आपके सामने कंट्रोल ऑल्ट और जी का ऑप्शन आ जाएगा। ओके यदि मान लो आप अपने कीबोर्ड से इसको ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट और जी। ओके आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका जी है जी की जगह आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके सिंपली आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर दोगे तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से इसको खोलोगे तो सिंपली इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। देख सकते हो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके तो इस तरीके से भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी फोल्डर के यहाँ पे शॉर्टकट की बना सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये कंप्यूटर क्लास कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।